तो ऑर्डर मेरे पास में यहाँ से आया है भाई, 295 रुपये का, और ये द्वारका है, कौन सा है, सनी चौक लिखा हुआ है भाई। यहाँ से करोल बाग की राइड ले ली, 4-5 बार मेरे पास में आ गई, मैं ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा यहाँ से ले ली भाई मैंने, 112 रुपये की राइड, पता नहीं कहाँ की थी। था बोर्जो के बारे में कोई अपडेट दो, बोर्जो क्यों नहीं करते भाई। देखो जब मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, अभी यहाँ मोहम्मदपुर में ही बैठा था तो भाई बिल्कुल पास से पिकअप था, तो मैंने ये ऑर्डर ले लिया और गुड़गांव लेके जा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भाई आज दिन है मंडे और मैं आज काफ़ी जल्दी उठा हूँ, 6:30 बजे का अलार्म लगा के उठा था। और भाई मैंने सोचा था कि भाई 7 बजे निकल जाऊँगा, कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है आज भी, पर धीरे करते करते देर हो गई। अभी टाइम की अगर मैं बात करूँ तो भाई टाइम हो रहा है 7:50 और मैं अपनी आईडियो को कर रहा हूँ ऑनलाइन। अपने पास में सारे ऐप रहेंगे और करेंगे आज पूरे दिन काम, धूप गर्मी सब बर्दाश्त करेंगे। बाकी जल्दी निकल रहा हूँ कि ताकि काम अच्छा हो जाए। तो फटाफट आईडी को ऑनलाइन करते हैं और देखते हैं भाई क्या है, पोर्टर में आता है या राइड पहले आती है। तो फटाफट करते हैं आईडी को ऑनलाइन और देखते हैं आज कितनी अर्निंग होने वाली है। मॉर्निंग में देखो धूप का असर है कितना जबरदस्त। इधर को बैठ के मैं पेड़ों के बीच में को अपनी आईडी ऑनलाइन करता हूँ। ये लो भाई, पोर्टर तो अपना ऑनलाइन था तो मैं सोच रहा हूँ ऊबर खोलूँ पहले, सर्दी वर्दी चल रहा होगा तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो बेकार है यार, मज़ा नहीं आएगा फिर। वाह, ये कर दिया मैंने भाई अपना ऊबर ऑनलाइन, ठीक है। बाकी किसी को भी ऑनलाइन करूँ क्या भाई? कोई राइड और ऑर्डर नहीं आ रहा तो मैं सोचा निकल जाता हूँ घर से। 8:03 हो रहा है और सारे ऐप अपने रनिंग में है, देखो तीनों चारों, ओला उबर रैपिडो और पोर्टर सारे ऑनलाइन है। तो मैं सोचा देवली रोड की साइड चलता हूँ, अब वहाँ से शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि वहाँ से तो पोर्टर के ऑर्डर के भी चांस रहेंगे, पर घर से पोर्टर के ऑर्डर के चांस कम रहेंगे, राइडों का ज़्यादा रहेगा। चलो चलते हैं यार देवली रोड पर और वहाँ से देखते हैं भाई क्या पहले मिलता है, ऑर्डर आता है राइड आती है। तो भाई पहली राइड एक्सेप्ट करी है मैंने करोल बाग की रैपिडो के अंदर, और ये राइड है बाइक बूस्ट। और भाई मेरे में बाइक बूस्ट हो, बाइक मेट्रो हो, या भाई साहब नॉर्मल बाइक हो, मेरा सबका रेट 850 रुपये किलोमीटर है विद 0% कमीशन। तो मैं तो कुछ भी लूँगा, 2-4 रुपये का ही फ़र्क पड़ने वाला है, बाकी नॉर्मल बंदों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी मीटर की रीडिंग की बात कर लेता हूँ साथ के साथ में, 14,468 किलोमीटर चली हुई है भाई। तो चलते हैं कस्टमर को पिकअप करने है भाई। भाई पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, कस्टमर को फ़ोन करते हैं। मॉर्निंग का सबसे बड़ा पंगा क्या होता है पता, बुक तो कर देते हैं पर घरों में रहते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, अब पहले बंदा आके खड़ा हो जाता है। टू, अच्छा घर का कूड़ा भी अभी लेके आई है। दिखा दो भाई कितने किलोमीटर दिखा रहा है, 20 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब 8 × 16 160 रुपये के समथिंग मुझे मिल जाएंगे, 40 मिनट लगेंगे। हाँ बैठो, चलते हैं भाई, करते हैं फटाफट कंप्लीट। क्या हुआ, चढ़ना नहीं आ रहा? ये लो, ठीक है हाइट छोटी है आपके? हाँ नहीं देखा हुआ है, यहीं पे रोकना है? हाँ यहीं पे रोकना है क्या? यहीं पे रोकना, ये लो। ट्रिप करते हैं कंप्लीट। हो गया अपडेट होने का। कभी आपको जल्दी आना हो करे ना तो ये बाइक बूस्ट मत बुक किया करो, इसमें जो बाइक बूस्ट बुक करिए ना वो राइडर के पास में भी शो करता है, वो कंपनी डिस्काउंट नहीं देती है, वो राइडर की जेब से जाता है। तो उसे रिजेक्ट करते रहते हैं बंदे, आपको लगे कोई आ नहीं रहा है तो हमारे पास शो करता है कि उस बाइक बूस्ट बुक किया। तो अगर आपको टाइम से जाना हो ना तो नॉर्मल बाइक बुक करो करो, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे, ठीक है हल्का। कंप्लीट हुई नहीं हुई है? कंप्लीट हो गई भाई, 20 किलोमीटर की है राइड। और हमें कितने रुपए मिले? मैंने बोला था 160 रुपए के समथिंग हमें देगा।
172 रुपये दे दिए भाई 20 किलोमीटर के। अब मुझे ये बताओ क्या ये नॉर्मल राइडर को 20 किलोमीटर के 172 रुपये रैपिडो देता है? कमेंट करके जरूर बताना भाई मुझे। या बाइक बूस्ट में किसी को दिए हैं 20 किलोमीटर के 172? 20 किलोमीटर के मेरे ख्याल से 130 से 135 रुपये के समथिंग राइडर को देगा रैपिडो, 35 या 40 मान लो मैक्सिमम। फिर भी मेरे को 30 रुपये इस पर ऊपर मिला क्योंकि भाई मेरा जीरो कमीशन है और 850 रुपये किलोमीटर है। बाकी करोल बाग आ गया हूँ, यहाँ से खोल लेता हूँ भाई अपना पोर्टर भी। सही है ना 172? भाई कस्टमर से भी बता दिया कि भाई बाइक बूस्ट बुक मत करा करो, इससे राइडर के ही पैसे कम होते हैं, कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं देती, ये सब राइडर की जेब से जाता है। तो भाई ऐसे आप भी बोलते रहोगे ना सभी कस्टमरों से तो उनको भी समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, जिसकी समझ नहीं आ रहा वो ऐसी की तैसी कराओ। क्या बोला तूने? यहाँ से ले ली भाई मैंने 112 रुपये की राइड, पता नहीं कहाँ की थी, था 12 किलोमीटर था, 112 रुपये। मैंने ठीक है कोई बात नहीं चलता हूँ कर लेता हूँ, 37 मिनट में दिखा रहा था 35-37 मिनट में कि इतने में कंप्लीट हो जाएगी, पर ठीक है यार ये सही है। और देखो पिकअप भी 180 मीटर से पिकअप, मतलब यहाँ खड़ा सामने रेड लाइट से पिकअप है, ये पहुँच गया हूँ भाई पिकअप के लिए। तो कस्टमर को करते हैं फ़ोन, लेकर चलते हैं फटाफट। अगर ऐसी जल्दी जल्दी राइड आ जाएंगे 100-150 तो भी यार अपना काम ठीक हो जाएगा। बाकी कॉल करते हैं भाई, पहुँच गया लोकेशन पर। भाई मेरे को कस्टमर वो लग रहा है सफ़ेद शर्ट में क्योंकि बहुत देर से इधर उधर देख रहे हैं। अरे तेरी मारू, अरे मैं इधर ही तो आ रहा था, मैंने देख लिया था जब इधर उधर देख रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा था, फिर जब भी तो आगे बढ़ गया था मैं, मुझे लगा तुम ही परेशान हो रहे हो। क्या बताया आपने? अरे इतनी सारी राइड क्यों आ रही है? सात हो गए। ये भगवान क्या जुल्म है? तो भाई डिस्टेंस दिखा दे, ये लगा लो इसको, नहीं लगाना पड़ेगा तभी। अरे नहीं लगाओगे तभी तो चलेंगे ना भैया, इधर से चलना है ना। बात डरने की नहीं है ना, वो बिना रुकाए भी फोटो खींच के भी चालान भेज देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। 13 किलोमीटर दिखा रहा है और 29 मिनट लगेंगे भाई। ये भाई 97 दिखाया कस्टमर से कैश कलेक्ट। अबे बुकिंग नॉट कंप्लीट क्या कह रहा है? ये हो गई डन, कितने पैसे मिले हमें अभी अपडेट होने दो। तुमने देखा भाई ओला की राइड एक्सेप्ट कर रखी है तो सारे ऐप खुल गए, सब में बजने लगी राइड क्योंकि कस्टमर ना देर कर रहे थे। अरे चल कौन जा रहा है, 2.5 किलोमीटर पिकअप, 4 किलोमीटर ड्रॉप, 45 रुपये में हट तेरी ऐसी की तैसी। ए एनेबल टू कनेक्ट दिखा रहा है, चलो सारे ऐप ओपन कर लेता हूँ भाई। भाई यहाँ से करोल बाग की राइड ले ली, 4-5 बार मेरे पास में आ गई, मैं ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार 12-12 किलोमीटर होगा, 100 या 110 रुपये के समथिंग मुझे मिलेंगे, तो मैं इस चक्कर से इसे बहुत देर से ले नहीं रहा था। जब बार 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 आओ जा रही, मैंने कहा चल तुझे ही फेंकूँ यार करोल बाग ले जाके। तो भाई एक्सेप्ट करिए राइड, पिकअप करने जा रहा हूँ, 500 मीटर दिखा रहा है। OTP बताओ क्या है? 6523। बैठो इधर से निकल लेंगे ना शायद। कितने किलोमीटर दिखा रहा है? 11 किलोमीटर 35 मिनट। 11 किलोमीटर के मुझे मिलेंगे भाई 96 रुपये के समथिंग भाई लोकेशन पे। ये लो भाई, मेरे को लगा बाइक बूस्ट है, ध्यान नहीं आ रहा बाइक बूस्ट था या बाइक थी। कैश कलेक्ट करते हैं, बाकी अभी कंप्लीट करते हैं क्योंकि 11 किलोमीटर के 110 रुपये कस्टमर से लिए मुझे कितने देगा अभी देखता हूँ मैं। मुझे याद बाइक बूस्ट का ही ध्यान है कि बाइक बूस्ट थी। अभी दिखाऊँ यार, 95 रुपये मिले, सही है, मतलब मैं 96 बता रहा था ना, कहाँ गया बाइक बूस्ट, दिखा नहीं रहा यार। नहीं बाइक टैक्सी था ये, बाइक बूस्ट नहीं था यार। 95 रुपये मिले 11 किलोमीटर के भाई, ये देख लो 6 रुपये GST कट गया इस पे। किसी पे GST काट लेता कि किसी पे कुछ। चलो वेट करते हैं। और आज भाई साहब पता क्या है, आज दिन है मंडे और मंडे के दिन करोल बाग मार्केट बंद रहती है और कपड़े की मार्केट लगती है। आप देख सकते हो कपड़े की मार्केट लग रही है करोल बाग के अंदर। किसका बज रहा पोटर आवाज आ रही है? ओ जिप वाले का बज रहा है, देख लो मेरा नहीं बज रहा, जिप वाले का बज रहा है पोटर। जिप वालों को पहले ऑर्डर देता है पोटर। आज ना भाई मेरा मोबाइल पे आराम कर रहा है। आराम क्या कर रहा है,
भाई देखो कहाँ रखा हुआ मैंने इस पे, ये तो लोहे का है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से मोबाइल और गर्म होता है भाई। इसके अंदर रखा हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत ही असर पड़ा है, बाकी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो चार्जिंग पे भी लगा लिया मैंने, क्योंकि वैसे चार्ज नहीं होता, अगर ज़्यादा हीट फोन होता है ना तो चार्ज नहीं होता। तो भाई आराम फरमा रहा है करोल बाग के अंदर ही, भाई कुछ आ नहीं रहा भाई साहब। बहुत कर लिया आराम, लगभग 1 घंटा आराम कर लिया, और साथ साथ में आईडिया भी ऑन थी। तो ऑर्डर मेरे पास में यहाँ से आया है भाई, 295 रुपये का, और ये द्वारका है, कौन सा है, सनी चौक लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, देख लेंगे जो भी होगा जहाँ भी होगा। चलते हैं भाई पिकअप कर रहे हैं पास। ये बन गया भाई पार्सल, बिल इसका मैं ना इसी में लगा देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, क्या फ़ायदा है कि नहीं, बैग में रहेगा तो भूल जाऊँगा, यहाँ रहेगा तो रस्सी खोलते हुए याद आ जाएगी कि ये भी देना है। भाई पार्सल हो गया पिकअप, अब इसका डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना डिस्टेंस है स्टार्ट करके ट्रिप को। ये ओए, ये तो गलत जगह फेंक दिया इसने। चलो दिखाता हूँ फिर भी कितनी दूर है, एयरपोर्ट भेज दिया क्या इसने, ऐसे लग रहा है मेरे को। 22 किलोमीटर है, 300 रुपये का ऑर्डर, 44 मिनट लगेंगे, इतना गजब ऑर्डर है। अरे भाई 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 भाई, ये तो मस्त है यार, और एक और रूट दिखा रहा है। अरे वो बड़ा रूट है, उसे मत छू, ये ठीक है भाई। चलो चलते हैं भाई, 22 किलोमीटर है, बढ़िया है, मज़े आ जाएंगे, मज़े ही मज़े। चलते हैं, करते हैं इसको कंप्लीट। अबे भाई बहुत गर्मी लग रही है भाई, पूरे रोड पे कहीं छाया नहीं दिख रही, तेज़ लेके जा रहा हूँ भाई। ओए यार सिग्नलों पे भी हालत ख़राब, तेज देखो कितनी लेके जा रहा हूँ, 70 पे लेके जा रहा हूँ भाई, ऐसी सामने से गरम गरम लग रही है चेहरे पे, वो तो शीशा बंद है तब भी। अबे भैया निकाल, उड़ा दे बाइक को, इतनी गर्मी में कौन रुक रहा है, सिग्नल भी रेड हो जाता भाई, देख रहे हो पूरे रोड पे कहीं छाया ही नहीं है। नहीं यार ये गर्मी में ना बाइक भी परेशान कर रही है, देख रहे हो मिसिंग हो रही है, पता नहीं क्यों बंद सी हो जा रही बार बार, क्लच दबा रहा हूँ थोड़ी देर, देखो जब पता नहीं क्या हो रहा है यार, इसमें भी गर्मी मान रही है, क्या हो रहा है, इंजन ओवर हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, चला रहा हूँ मिसिंग हो रही है, बंद हो रही है, फिर क्लच दबाता हूँ थोड़ी देर फिर चल जाती है, ऐसे कर कर कर। तो भाई मैं जा रहा हूँ, 20 मिनट दिखा रहा, बस ये ऑर्डर डिलीवर हो जाए, इसके बाद में इसका प्लग चेंज करके देखूंगा, मेरे पास में 2-3 प्लग पड़े हुए हैं। ये पहुँच तो गया भाई लोकेशन में, और यहाँ पे तो इतनी कड़क धूप, कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं दिख रही। भाई डिलीवर तो कर दिया ये ऑर्डर, इसमें भी 20-25 मिनट ख़राब हो गए पेमेंट आने में, रेटिंग 3 दूंगा, 5 तो उसे देते हैं, जाते ही मिल गया, पैसे भी तुरंत मिल गए, जिसमें वेट कर रहा तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं देंगे ना भाई। तो अर्निंग पोर्टर के अंदर 236 रुपये, 268 रुपये हमारे रैपिडो में, और 112 रुपये ओला के अंदर, तो 600+ का काम हो चुका है भाई अभी तक, एकदम बढ़िया 600+ का काम। और टाइम कितना हुआ मुझे, 4:30, 8 बजे आया था मैं, और 12:40 हो रहा है, तो 8:10 पे भी मान के चलो, तो लगभग 4.5 घंटे के अंदर 600+ का काम हो गया, जिसमें 1 घंटा मेरा करोल बाग में बर्बाद हुआ खाली बैठकर। बाकी अब मैं यहाँ भी, यहाँ से भी कहीं नहीं जाने वाला भाई, ये छाया एकदम गजब वाली। भाई बहुत सारे बंदों कमेंट रहते थे बोर्जो के बारे में, कोई अपडेट दो, बोर्जो क्यों नहीं करते, भाई देखो जब मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, अभी यहाँ मोहम्मदपुर में ही बैठा था, तो भाई बिल्कुल पास से पिकअप था, तो मैंने ये ऑर्डर ले लिया और गुड़गांव लेके जा रहा, 18 किलोमीटर के मुझे 150 रुपये मिल रहे हैं, मैंने कहा चल ठीक है निकल जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो मुझे यहाँ से भी कम से कम 4-5 किलोमीटर खाली इधर उधर जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास में कोई ऑर्डर आएगा। राइडें आ रही हैं रैपिडो में 5-5 किलोमीटर के पिकअप पर, कौन जाएगा, ये सिर्फ 500 मीटर से पिकअप है, तो चलते हैं पिकअप करने भाई इसको। ये पहुँच गया हूँ लोकेशन पर भाई, यहाँ भी देखो कितनी चटक धूप हो रही है, यहाँ से लेना है शायद भाई। ये डॉक्यूमेंट्स मिला है वी फास्ट के अंदर, तो ये लेके जाना है, तो इसकी फ़ोटो वी फास्ट के अंदर अपलोड कर देता हूँ, ये हो गई अपलोड, बट डन मैं साइड में करूँगा, क्योंकि भाई ये कस्टमर का नंबर दिखा देता है, फिर मैं एडिटिंग के टाइम में क्यों फिर ना फालतू में मत्था पीछी करनी है। मैं डिस्टेंस दिखाता हूँ इसका, उधर मत देखना भाई, मैप पे क्लिक कर दिया मैंने, ये इस पे दिखा रहा है 20 किलोमीटर, पर मैं करूँगा कार पे क्लिक, तो यहाँ पर 18 किलोमीटर दिखा रहा है, और टाइम लगेगा मुझे भाई, एक्सप्रेस मत ले जाइए कभी, चालान कटवा दे, 29 मिनट लगेगी, 18 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं और करते हैं इसको कंप्लीट। भाई कोई मेरी बाइक को देख के समझ सकता है इसमें बीमारी क्या हो रही है, देखो ये देखो, रेस मैंने एक जगह रखी है, कभी कभी रेस ले रही है, कभी नहीं ले रही, देखो ये देखो, ये समझ लो, अरे किसी समझ में क्या हो रहा है इसमें, ये देखो
ये देखो एकदम एकदम से ले रही है, नहीं ले रही है, ले रही है, नहीं ले रही, देखो ये समझ ही नहीं आ रहा यार मुझे क्या हो रहा है, और मैं गलत रास्ते पर आ गया यार, मुझे इधर जाना था यार। ए यार इतना दुख देख, कोई कट भी नहीं है यार अब यहाँ, हद तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहाँ से चढ़ा दूँ क्या? अरे नहीं यार, यार ये अलग टेंशन है, फंस गया ना देखो, आज का दिन भी खराब जाएगा भाई, ये ऑर्डर जैसे तैसे करके डिलीवर कर दूँ बस, इसके बाद घर निकलूँगा। देख देखो बाइक का देखोगे बंद हो गई, देखो यही हो गई बंद, देखो फिर स्टार्ट हो गई, ऐसे कर रही है। अरे ऐसा नहीं है कि तेल नहीं है, तेल भी है काफ़ी, दो दो ढाई लीटर पड़ा है, पर देखो पूरी रेस हटने पे देखो ऐसी की तैसी खराब हो, बैंड बच गई भाई बाइक वाइक की, है कूड़े में कटेगी अभी, मेरे को लग रहा है ये ना चल के दे रही है, पैसे पैसे लग रहे हैं बस इसमें, कभी 20,000 पकड़ा दो, कभी 4,000 पकड़ा दो, कभी 3,000 पकड़ा दो, सारे पैसे बस ऐसे ही दे जाओ मैकेनिकों को, फिर तेरी भेड़ की आँख। कंट्रोल कंट्रोल, इतनी हाई टेम्परेचर भाई, ऊपर से धूप और ऊपर से बाइक चलने के लिए तैयार नहीं हो रही यार बिल्कुल भी, देखो यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, देख रहे हो ये ऐसा कर रही है यार, बहुत गुस्सा हो रहा है, मन कर रहा है इसमें आग लगा जाऊं यहीं पे, चलने के लिए तैयार नहीं है यार, हे मेरी भाई बैंड बज गई, शायद तुम्हें आवाज नहीं जा रही होगी, पर भी फिर भी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं किसी बस स्टैंड पे बैठा हूँ यहाँ पर, ये एमएस मॉल इधर है भाई, खेसते खेसते यहाँ तक तो आ गया हूँ, पर भाई मत्था पटा जा रहा है मेरा, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया है, वो आ रहा है, ऑर्डर डिलीवर करवाऊँगा साथ में, फिर भाई तक ले जाऊँगा, मतलब ये भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ है। दोस्तों तुम मेरी यहाँ सिचुएशन से समझ सकते हो कि यार मेरे साथ जो दिक्कत है, मेरी बाइक इधर खड़ी हुई है, ये कपड़ा क्यों लगा रखा है, मैं बस स्टैंड पर हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है दो मुँह पे भाई, ये देख सकते हो इतनी गर्म गर्म लग रही है, उससे बचने के लिए बस मुँह पे कपड़ा लगाया हुआ है, इतनी बुरी हालत हो जाती है हमारी, तो यार इधर से करूँ क्या यार, बहुत गर्मी लग रही है भाई, बस मैं किसी तरीके से ऑर्डर डिलीवर कर दूँ भाई, बहुत बहुत बुरा हाल है सही में मेरा इस टाइम तो, बहुत ही ज़्यादा क्या, बस अब तुम सोचते हो यार ये काम करने के, बताओ मैं मना करता हूँ भाई, इस काम में मत आओ, बस मजबूरी में कर रहे हैं, और यहाँ बहुत गंदा फंसे हुए हैं भाई, बुलाया अपने दोस्त को। सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया भाई गर्मी में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हालत ख़राब हो गई वैसे दो घंटे फैलते फैलते हैं, पहले तो इसे कहीं पर खड़ी करते, ऑर्डर है इसका सेक्टर 54 का, ये फेंक का आता है भाई, भाई ने बाइक पे पैर लगा रखा है, पता कितनी स्पीड पे जा रहा है, 70 की स्पीड पे जा रहा है पैर लगा के बाइक पे, बताओ बता टो करके 70 की स्पीड पे ले जा रहा है भाई, तो भाई अगर नॉर्मली बाइक चलाता होगा तो भाई की स्पीड कितनी होगी तुम खुद सोच सकते हो यार, भाई हमारी जो राइडर की लाइफ है ना सबसे बड़ा दुख यही है, हमें अपना दुख नहीं देखना होता है, क्या है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाइक ख़राब हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपना दुख नहीं देखना होता है, हमारे पास जो ऑर्डर है हमें उसे कंप्लीट करना होता है भाई, वो ऑर्डर देखो मैंने अभी कंप्लीट किया है, ये देखो ये मैंने 1 बजे लिया था लगभग ऑर्डर, और भाई 3:30 बज गए, आधे घंटे का था, लगभग 1.5 घंटा ऑर्डर लेट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में दिया, अब यहाँ से भाई मैं बंद कर रहा हूँ इसे और घर निकल रहा हूँ, भाई वो मेरा भाई आया था साथ में, मेरा दोस्त, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, 12 किलोमीटर भाई बाइक पे पैर लगा के ऑर्डर डिलीवर कराया, अब कहाँ भाग गया मुझे छोड़ के भैया, कहाँ गया वो, कहाँ चला गया ये वो भाई, ये तो मेरे को छोड़ के चला गया मेरा भाई, भाई मुझे घर तक पहुँचा दो मेरे, कहाँ गया भाई, वीडियो देखेगा तो हंसेगा, कैसे मजाक बना रहा, मजाक नहीं मारा, कॉमेडी की तो आदत है अपनी, कहाँ चला गया भाई, हो रही है घर जा रहे हो? हाँ घर ही जा रहा हूँ, चलो इनको छोड़ता हूँ, वहीं रहता हूँ तुम्हारे, कहाँ पे, देवली में, संगम यार, अच्छा जानता हूँ, तो ये जा रहा है वैसे तो छोड़ने देवली तक, जा रहे हो राइड वाइड बुक करिए, नहीं नहीं ऐसी है जानने वाले दोस्ती है, है? तो ये कहाँ के है, ये तो छतरपुर छोड़ना है, छतरपुर कहाँ पे, अम्बेडकर कॉलोनी, अच्छा अम्बेडकर कॉलोनी है,
चलो वो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं ना। ओके भाई, तुम उधर रहते हो ना, ये अमृता की साइड? हाँ हाँ, अच्छा ऊपर रहते हो, खराब ही होते। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, सबको पता है भाई खराब होती रहती है। भाई ये सब्सक्राइबर मिल गए थे, बोले मैं उधर ही रहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। बोले कोई नहीं भाई, जब भाई जा रहे हैं अभी तो अभी रहने दो। ये पहुँच गए हम अपनी बाइक के ससुराल, ससुराल ही समझो, कोई है ही नहीं अंदर। तो क्या हो गया से छ, ये क्या सीन है? शांति है, कोई दिख नहीं रहा अंदर, क्या बात हो गई, कोई है ही नहीं। क्या ले लूं मैं, रखो अपने पास में, बिक जाएंगी बैग, गीला पड़ा है, गीला पड़ा तो क्या हो, तो ये प्लास्टिक की चीज है, ये कहाँ बिक रही है, खराब हो जाएंगे। अरे इसमें बैग गीला पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। भाई बाइक करा ली है, ये देखो अब हेलमेट के बगैर अब नहीं हो रहा कुछ भी, इसमें कई सारी चीजें डलाई है, ये डला लिया, ये स्विच विच डलवा ली, ये लीवर भी डलवा लिया। वैसे थोड़ी देर चलाऊंगा तब होगी ना ये, थोड़ी देर चलाऊंगा तभी इससे होगी ना स्टार्ट, अभी नहीं होगी भाई। अब मन नहीं कर रहा काम वाम करने का, टाइम की बताता हूँ मैं तुम्हें कितनी लंका लगी है, 1 बजे के ऑर्डर के चक्कर में वहाँ 6 बज गए भाई, अब मन ही नहीं कर रहा काम करने का, पूरी हिम्मत खत्म हो गई यार। सारा तो गरम गरम मिल रहा है, कहीं नहीं ठंडा दे रहे हो तो लो, तुम्हें रखने कुछ क्या? लो रख लो, नहीं 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 हैं, रख लो, अरे लो गुरुजी रख लो, अबे भाई रख लो, ये क्या हाथ जोड़ने वाली बात हो गई हैं, अबे ऐसे रख लो, इसमें कोई वो बात थोड़ी ना, टाइम भी तो है, हैं, ठंडा वंडा तो पी लेंगे, लो ये रख लो। सुनो भाई टाइम भी तो खराब हुआ है मेरा, मैंने तो अरे मैंने तो कमा लिए थे ना उतने, मैं ऑर्डर के दे रहा हूँ उसके, अरे जो कर, अरे बात भाई, अरे बात वो नहीं है, ऑर्डर डिलीवर करवा, मैं उसके दे रहा हूँ, वो थोड़ी ना दे रहा हूँ लो, हैं, अरे वो बात थोड़ी ना हो गई, मैं तो ऑर्डर तुमने डिलीवर करा उसके दे रहा हूँ ना लो। चलो कुछ खाते यार, पैसे नहीं चाहिए मुझे, अरे पैसे थोड़ी ना दे रहा हूँ मैं, अबे रख लो ऑर्डर, ऑर्डर की तो है, चलो मैं खिलाता हूँ। अरे ना पड़े, हम तो ऊपर वाले से कहते कभी ना पड़े, ऐसा नहीं, वो तो कह रहा ना पड़े, आज जरूरत पड़ी वो भी उधर की तरफ थे तो मिलाव हो गया। बैग मत करो, हाँ आगे से राइट कट दिखेगा ना गेट, 4 नंबर गेट, वहाँ से निकल जाओ, ये 3 नंबर है और 4 नंबर है, चलो पहुँचो, शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। चलते भाई हम भी घर, हैं, हाँ ठीक है भाई पहुँचो। चलो भाई काफ़ी टाइम हमने स्पेंड करा साथ में भाई, स्पेंड क्या करा भाई, काम तो मेरा ही था पर भाई ने आके सपोर्ट करा यार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का यार। भाई मेरी तो सही में, मुझे कौन आता भाई गुड़गांव में हेल्प करने, मेरी कौन आता यार, कोई भी नहीं आता, मैं तो फंस गया था, मेरे तो भाई दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था यार, क्या करूँ ना करूँ बिल्कुल भाई। उम्मीद हार के मैंने मैसेज डाला भाई को, मैंने बोला भाई डाल के देख लेता हूँ, अगर आते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर तो भाई फिर तो धक्का मार मार के आना पड़ेगा। तो भाई एक मैसेज पे ही आ गए बोल के, बोला मैंने एक राइड अभी छोड़ी है मैरोली में, मैरोली से भाई भाई आईडी बंद करके मेरे पास पहुँचे, आके मेरी हेल्प करी और बाइक कराया, बाइक वाइक में काम, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, भाई के साथ में रहा मैं काफ़ी टाइम। तो दोस्तों घर आ चुका हूँ मैं, दिन तो काफ़ी अच्छा जा रहा था मेरा आज भाई, जैसे काम हो रहा था मैंने सोचा भाई अब की बार 2000 पार, मैंने आज तो 2000 का होगा, ऊपर वाले ने गलती से सुन लिया नुकसान, क्योंकि मैंने फायदा नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था 2000 का होगा, ऊपर वाले ने बोला 2000 का क्यों, 3000 का ले, तो भाई मुझे लगा 3000 रुपये का चूना। भाई गर्मी में बुरी हालत हो गई थी भाई, टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा, हम सोचते कल करेंगे कल हल्की होगी, ये तो दिन पे दिन बढ़ती जा रहा है यार, 47 तक पहुंच गया टेम्परेचर, इतनी बुरी हालत हो गई मेरी भाई। एक दोस्त को बुलाकर भाई वो ऑर्डर जैसे तैसे कंप्लीट करा और भाई सर्विस सेंटर तक बाइक को पहुंचाया। तो बाइक के अंदर क्या क्या डला है, मेरी फ्यूल की मोटर डली, वो क्या बोलते हैं फ्यूल पंप डला है जो कि 2800 से 3000 के बीच आता है, और भी थोड़ा मोटर काम करा के लगभग 3000 पार का नुकसान हो गया, काम 750 का किया था, बाकी भाई गई लंका डूब गई।
इसीलिए मैं सभी राइडर से यही कहता हूँ कि भाई इस काम को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी छोड़ दो। इसमें बाइक की बैंड तो बजती बजती है, साथ में इंसान की भी बजती है बैंड। सुनने में आया कुछ बंदों के कमेंट भी आए थे कि भाई बेंगलोर या हैदराबाद या ऐसी कई जगह स्विगी के बंदों के साथ में केस आ रहे हैं, मतलब कि कमर रीढ़ की हड्डी के बारे में लेकर कि ऐसी कुछ था, मतलब कि परेशानी हो रही है बंदों को, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 12-12, 14-14 घंटे तक लगातार बाइक पे बैठना। भाई बॉडी को अगर हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। अगर तुम रेगुलर रूटीन पे भाई 14-14, 12-12 घंटे काम करो, देख ही नहीं रहो, मजा आ रहा है, पैसा ही पैसा, फिर बाद में वही पैसा पानी की तरह हॉस्पिटलों में बाहर, उससे कोई फायदा नहीं है। शरीर को भी रेस्ट दो, काम करो उतना करो कि भाई जितना तुम्हारा शरीर झेल सके। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं फालतू की बातें क्यों कर रहा हूँ भाई। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही, बाकी भाई 850 का 800 का काम किया था, मैं तो सभी से बोलूँगा भाई, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है कि मैं भी कुछ और करूँ अब, डिलीवरी करके मैं भी कोई दुकान वकान खोल लूँ। भाई मैंने बात करी थी एक दो दोस्तों से, करूँगा कुछ ना कुछ अलग, बाकी फिलहाल तो अभी चल रहा है टाइम पास तो अभी कर रहा है इसमें। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।